जय भीम साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की किताब का ऑडियो वर्जन लेकर आया हूं, जो शोषित वर्ग की न सिर्फ आवाज़ बना बल्कि उसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की नींव हिला दी। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की, जिनको बाबा साहब भी अपना आदर्श मानते थे। उनके द्वारा सन 1873 में लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी ने मानो ब्राह्मणवादी सांप की पूंछ पर पैर रख दिया। इस किताब के जरिए ज्योतिबा ने ब्राह्मणवाद के भीतर के पाखंड को मानो नंगा कर दिया। वो पाखंडवाद जो सदियों से समाज के एक तबके को अपनी जूती के नीचे मसल रहा था। पर कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, पर रोशनी की एक छोटी सी किरण ही काफ़ी है उसका अंत करने के लिए। और दलित शोषित वर्ग के लिए ऐसी अलौकिक किरण बनकर उभरे ज्योतिबा। अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए सीधे लिए चलता हूँ आपको इस पुस्तक की भूमिका की ओर। इस पुस्तक में ज्योतिबा फूले ने ज्योतिराव और ढोंडीराव के बीच के संवाद को हिंदू धर्म के चातुर वर्ण पर कटाक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ज्योतिराव की महान कृति गुलामगिरी। संवाद कुछ इस प्रकार है। पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राजकर्ताओं ने इकट्ठा होकर एक गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनुसंहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा है? ढोंडीराव, इसके संबंध में सभी ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ लिखा ही नहीं गया। ज्योतिराव, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग तो बिल्कुल ही नहीं होते। ढोंडीराव, अनुभव से ये पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव, फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, दुराचारी, नीच, दुष्ट ब्राह्मणों के बारे में मनु संहिता में किस प्रकार से लिखा गया है? ढोंडीराव, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो व्युत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता। ज्योतिराव, इसलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण ग्रंथों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की व्युत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने चार वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस व्युत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि क्रमों से तुलना करके देखा जाए तो वह तुमको पूरी तरह तथ्यहीन, निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडीराव, मतलब यह किस प्रकार से? ज्योतिराव, ब्राह्मणों का कहना है ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों?
ढोंडीराव, क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे मलेच्छा विधर्मियों की पंक्ति में रख दिया जाए। ज्योतिराव, हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं, यह हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी ही है ना, फिर तुम उनको मलेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखते हो? उसको वहाँ की शराब और मांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू यह बड़ी गलत बात कर रहा है। ढोंडीराव, आपने ही कई बार सरेआम सभाओं में व्याख्यानों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके रखते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी, इसका मतलब क्या हुआ? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेजिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज़ पर के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटेलर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की व्युत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव, अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है वह हर माह मासिक धर्म आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है, और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा, क्योंकि आज के ब्राह्मण लोग लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव, इससे तुम सोच ही सकते हो कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि महावार के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इस संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने बीतने तक किस जगह पर वह रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं कहा। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं लिखा। ज्योतिराव, सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोंडीराव, उसके शेष 3 सिर उस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस मामले में क्या है? उस बाज को इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव, अब यदि उसे डीबाज कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग व्यभिचार किया था, इसलिए उसका उपनाम बेटी भी हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण
कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान पूजा अर्चना नहीं करता। ढोंडीराव, यदि सचमुच में ब्रह्मा को चार मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियाँ, 4 योनियाँ और 4 मल द्वार भी होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाया है। फिर उसी तरह शेष नाग की शैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया, इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है वहां के मूल निवासी हैं। पहले ज़माने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथों में उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया गया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बना करके देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर वामन के बाद ब्राह्मण लोगों का ब्रह्म नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत ज़िद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का क्षय बाद में कोई ना कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में नई नई तरह की कल्पनाएं फैलाईं। फिर उसने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिलो दिमाग में ठूंस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुईं। फिर उसने शेषनाग शैया की दूसरी अंधी कथा गढ़ी और समय देखकर कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चतुर सदा औरतों में रहने वाले छिछोरे के ताली पीट पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग शैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उससे हमें छदाम का फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही औंधाचित हुए गरीब पर ऊपर से पांव देना, इसमें अब कुछ मजा नहीं आ रहा। ढोंडीराव, इस देश में वामन के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुल मिलाकर कितने जत्थे आए होंगे? ज्योतिराव, इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जल मार्ग से आए। ढोंडीराव, इनमें से पहला जत्था जल मार्ग से लड़ाकू नौका से आया था या फिर किसी और मार्ग से आया था? ज्योतिराव, लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थी, इसलिए वह जत्थे छोटी छोटी नौकाएं लेकर आगे बढ़े और वे नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी में चलती थीं, इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का नाम मत्स्य हो गया होगा। ढोंडीराव, फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिखा है कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था। इसका क्या मतलब होगा? ज्योतिराव, उसके बारे में तुम ही सोचो कि मनुष्य और मछली इनके इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है।
उसी प्रकार उनके मस्तिष्क में, मेधा में, कलेजे में, फेफड़े में, आंतड़ियों में, गर्भ पालने पोसने की जगह में और प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना न आए तो डूब कर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है। लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तिलमिलाकर मर जाती है। नारी स्वाभाविक रूप में एक समय एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली सबसे पहले कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उसमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकालती है। अब जिस अंडे में यह मत्स्य बालक था उसको उसने पानी से बाहर निकालकर ज़मीन पर फोड़ा होगा। उस अंडे से उसने उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर ज़मीन पर कैसे बची होगी? कोई आदमी इस तरह का सवाल उठा सकता है कि मनुष्यों में से किसी मंजे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था उस अंडे की पहचान कर उसने उसको ज़मीन पर लाया होगा। खैर, यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा? क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देशों में काफ़ी विकास हुआ और बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में विज्ञ हुए हैं, फिर भी उनमें से किसी एक ने भी अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया है कि मैं मछली के अंडे को फोड़ करके उसमें से बच्चे को ज़िंदा बाहर निकाल देता हूँ। खैर, वह अंडा पानी में है। इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा? और उस जलचर संदेशवाहक की भाषा मानव को कैसे समझ में आई होगी? इस तरह की एक से अधिक शंकाओं से भरे उन लेखों में से सही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए उसके बारे में यह अनुमान प्रमाणित होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया होगा। ढोंडीराव, अच्छा, फिर सवाल यह उठता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका होगा? ज्योतिराव, पश्चिम के समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। ढोंडीराव, उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया? ज्योतिराव, उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज्य मत्स्य के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा ही खतरनाक हमला बोल दिया। ढोंडीराव, बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ? ज्योतिराव, उस करारी हमले में मत्स्य के कबीले की करारी हार हुई, इसलिए उसने युद्ध भूमि से भाग जाना बेहतर समझा और भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों द्वारा उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छुप गया। उसी समय ईरान से आए लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला कछुए से बंदरगाह आ पहुंचा और वे कछुए मछुए से कुछ बड़े होने की वजह से पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। इसी की वजह से उस कबीले के मुखिया का नाम कच्छ हो गया। ढोंडीराव, मछली और कछुआ, इन सभी बातों में तुलना करने पर कुछ बातों में निश्चित रूप से फर्क दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ बातों में, जैसे पानी में रहना, अंडे देना, उन्हें फोड़ना आदि में, उनमें समानता भी दिखाई देती है। इसलिए भागवत आदि पुराणकर्ताओं ने यह लिख रखा है कि कच्छ कछुए से पैदा हुआ है। इसके बारे में भी सोचने पर परिणाम मत्स्य जैसा ही होगा। और
अपना सारा समय व्यर्थ में खर्च होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आपसे आगे की बात पूछना चाहता हूँ कि कच्छ ने बंदरगाह पर उतरने के बाद क्या किया। ज्योतिराव सबसे पहले उस बंदरगाह की, जिस पहाड़ी पर मत्स्यों का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, वहाँ के मूल क्षेत्रवासी लोगों को भगाकर उसने अपने लोगों को मुक्त किया और वह स्वयं उस क्षेत्र का भूदेव यानी भूपति बन गया। ढोंडीराव फिर जिसको कच्छ ने खदेड़ा था, वे क्षत्रिय लोग किस ओर चले गए? ज्योतिराव विदेशी ईरानी या आर्य लोगों का कबीला समुद्र के रास्ते से आया देखकर घबराकर द्विज आए, चिल्लाते हुए पहाड़ी के उस पार कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे पीछे निकल पड़े। कच्छ ने उनको इस तरह पीछे पीछे जाते हुए देखकर अपने साथ कुछ फौज लेकर उस पहाड़ी के एक छोर से नीचे उतरा। उसने उस पहाड़ी को पीठ पर लेकर, मतलब पीछे छोड़कर, कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को ईरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहाड़ी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से जंग की तैयारी की, लेकिन कच्छ ने अपनी मृत्यु तक उस पहाड़ी को उस क्षेत्रपति के हाथ नहीं लगने दिया और अपनी युद्ध भूमि छोड़कर एक कदम भी पीछे नहीं हटा। ढोंडीराव कच्छ के मरने के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव वराह। ढोंडीराव भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिखकर रखा है कि वराह की पैदाइश सुअर से हुई थी, उसमें आपकी क्या मान्यता है? ज्योतिराव वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और सुअर में किसी भी दृष्टि से चमत्कारिक भिन्नता है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हारा पूरा समाधान हो, इसलिए यहाँ उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि वे अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनसे किस तरह का व्यवहार करते हैं, यही सिर्फ हमें देखना है। मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को पैदा करते ही वह उस बच्चे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देती और उसे बड़े प्यार से पालती पोसती है, लेकिन सुअरी कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चे को एकदम खा लेती है, उसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वरह की सुअरी माता ने सबसे पहले अपने सुअर जाति के बच्चे को खाकर बाद में उस मानव सुअर को पैदा किया होगा, किंतु भागवत आदि ग्रंथकारों के अनुसार वरह यदि आदि नारायण का अवतार हैं तो उसकी सर्वज्ञता और समान दृष्टि को दाग लगा या नहीं, क्योंकि वरह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली सुअरी को उसके बड़े सुअर भाई को मारकर नहीं खाना चाहिए। उसने इसके पहले से ही कुछ बंदोबस्त क्यों नहीं करके रखा था? हाय पद्मा सुअरी वराह आदि नारायण की माँ ही तो है, और उसने इस तरह के अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? बाल हत्या का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों ना हो, किंतु इसने अपने पैदा किए हुए अबोध बच्चे की हत्या करके उसको खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थ बोध हो, ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यदि इसको डाकिनी कहा जाए तो डाकिनी भी अपने बच्चे को नहीं खाती, यह एक पुरानी कहावत है। उस वराह की पद्मा माता को इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से नरक की यातनाएं भोगने से मुक्ति मिले, इसलिए उसने ऐसा पाप मुक्ति का कर्म किया। इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिलता, इसका हमें बड़ा अफसोस है। ढोंडीराव वराह की सुअरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसके सुअर पति का कुछ ना कुछ नाम होना ही चाहिए कि नहीं? ज्योतिराव पद्मा सुअरी के पति का नाम ब्रह्मा था। ढोंडीराव इससे यही समझ में आ रहा है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्म, नारद और मनु इस तरह के नाम देते थे। उनके नाम
इन गपोड़ी ग्रंथकारों को समझ में आए होंगे। दूसरी बात यह कि पद्मासुवरी ने वराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु बाद में उसके कुछ बड़ा होने पर गांव के खंडहरों में बहुत ही कोमल फूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत लगी होगी कि नहीं, यह तो वही वराह आदि नारायण ही जाने। इस तरह के उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में लिखा यह सब झूठ है। वराह सुअरी से पैदा हुआ और इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उन ग्रंथकारों को लज्जा भी नहीं आई होगी। ज्योतिराव, यह कैसी बेतुकी बात है कि तुम्हारे जैसे ही लोग इस तरह के झूठ मूठ के ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पंडा पुरोहितों और उनकी संतानों के पांवों को धोकर पानी भी पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज्ज हो या वे? ढोंडीराव, खैर इन सब बातों को अब छोड़ दीजिए। आपके ही कहने के अनुसार उन मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा? ज्योतिराव, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा था और वह जहाँ भी जाता था वही जंगली सुअर की तरह झपट्टा मारकर अपना कार्य सिद्ध करता था। इसी की वजह से महाप्रतापी हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के जो दो क्षत्रिय थे उन्होंने उसका नाम अपनी निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वराह रखा। इससे वह और बौखला गया होगा और उसने अपने मन में उनके प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमला करके वहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफें दे करके अंत में उसने एक युद्ध में हिरण्यगर्भ को मार डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई और वे कुछ लड़खड़ाने लगे और इसी समय वराह मर गया। ढोंडीराव, वराह के मरने के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव, नरसिंह। ढोंडीराव, नरसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव, नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। ढोंडीराव, उसने क्या क्या किया था? ज्योतिराव, सबसे पहले उसने मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार लाया। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य उसे मिलने वाला नहीं था। उसका अपना दुष्ट उद्देश्य सफल हो इसके लिए उसने गुप्त हरकतें करना शुरू कर दिया। उसने अपने एक द्विज शिक्षक के माध्यम से हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपना प्रारंभ किया। इसकी वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुल स्वामी की पूजा करना त्याग दिया। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के लिए अनुकूल करने की दृष्टि से हर तरह की कोशिश की, लेकिन नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद होने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार गए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस तरह से भ्रष्ट कर दिया कि वह अपने पिता की हत्या कर दे। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए नरसिंह ने मौका देखकर ताजिया से बाघ के बनावटी स्वांग की तरह अपने सारे बदन को रंगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए और लंबे लंबे बालों की दाढ़ी मूछें लगवाईं और वह एक तरह से नकली भयंकर सिंह बन गया। यह सारा स्वांग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी पहन लिया और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा चौड़ा घूंघट डालकर बड़े ही नखरेल ढंग से झूमते लहराते हुए बच्चे की मदद से एक दिन
उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में जहाँ खम्भों का तांता लगा हुआ था वहाँ जाकर चुपके से खड़ा हो गया। उसी दरमियान हिरण्यकश्यप सारे दिन के शासन भार से थका अपने मंदिर में आकर आराम करने के उद्देश्य से जो ही पलंग पर लेटा नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघट खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उन खम्भों की ओट से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाने ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छुपाए हुए बगनघा से उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहां से सभी द्विजों को लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को तो भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब क्षत्रियों को यह ध्यान में आया कि नरसिंह ने अमानवीय कर्म किया है, तब उन्होंने आर्य लोगों को द्विज कहना बिल्कुल त्याग दिया और नरसिंह को विप्रिय कहने लगे। इसी विप्रिय शब्द के बाद में उसका नाम विप्र पड़ा होगा। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह यानी सिंह की औरत कहकर कोसना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कईयों ने नरसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह हिरण्यकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क और अपनी जान को संभालते हुए किसी प्रकार का पुनः प्रयास न करते हुए मर गया। ढोंडीराव फिर नरसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों की वजह से उसके नाम को लेकर बाद में कोई छीथू न करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय के बाद उचित समय को जानकर नरसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खम्बे से पैदा हुआ। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठ मूठ की कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी गई होंगी। ज्योतिराव हाँ, इसमें भी कोई संदेश नहीं, क्योंकि यदि वह खम्बे में से पैदा हुआ यह कहा जाए तब उसकी गर्भ की नाल दूसरे किसी व्यक्ति ने काटी होगी। उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर यह कैसे जिया होगा? बाद में वह किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिए बगैर छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा? शायद यह भी हो सकता है यदि यह कहा जाए, लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटते हुए नहीं दिखाई देता। यह तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध ही है। इन लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नरसिंह को एकदम लकड़ियों के खम्भों से पैदा करवाते ही बगैर किसी की सहायता के अपने आप ही इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूछ वाला अक्ल का दुश्मन बना दिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। हाय, जो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृधर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगवाने का प्रयास कर रहा था, उस पिता को आदि नारायण के अवतार द्वारा मार दिया जाना क्या सही में उचित था? इस तरह का अमानवीय कुकर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा। आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसे चाहिए था कि वह हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर यह विश्वास दिलाता कि वह आदि नारायण का अवतार है और वह पिता पुत्र में सुलह करवाने आया है, लेकिन ऐसा न कर उसने हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर उसको समझा नहीं पाया तो फिर वह उस सब की बुद्धि का दाता कैसे? इससे यह सिद्ध होता है कि नरसिंह में किसी सामान्य स्त्री से भी कम अक्ल थी। फिलहाल हिंदुस्तान में अमेरिकी और यूरोपियन मिशनरियों ने यहाँ के कई युवकों को ख़िस्ती बना लिया, किंतु उनमें से किसी ने भी किसी युवक के पिता की हत्या नहीं की। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोंडीराव नरसिंह की इस तरह दुर्दशा होने पर विप्रों ने प्रहलाद का राज्य लेने के लिए कुछ कोशिश भी की या नहीं? ज्योतिराव विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कई तरह के लुके छिपे प्रयास किए, किंतु उन लोगों को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। चूँकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गईं और उसको विप्रों की कुटिलता स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगी, तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर अपने राज्य की उचित व्यवस्था योग्य प्रतिबंध करके मर गया।
उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा बलि बहुत ही योद्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोस में रहने वाले छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को धृष्ट दंगाखोरी की ज़्यादतियों से मुक्त किया और उन पर उनका अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रों का मुखिया बटू यानी वामन था। उसको यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बलि का राज्य लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से ही गुप्त रूप से बहुत फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। वामन बहुत ही लोभी, साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था। ढोंडीराव, फिर बलि राजा ने क्या किया? ज्योतिराव, बलि राजा ने अपने राज्य के करीब करीब सभी सरदारों को पड़ोसी क्षेत्रपतियों की ओर तुरंत भेज दिया और इस तरह की ताकीद की कि उन सभी लोगों को किसी भी तरह की दलील न देते हुए अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए आना चाहिए। ढोंडीराव, इस देश का इतना बड़ा प्रदेश बलि के अधिकार में था। ज्योतिराव, इस देश में कई प्रदेश बलि राजा के अधिकार में थे। इसके अलावा सिंघल द्वीप आदि पड़ोस के कई प्रदेश इसके अधिकार में थे। ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ बलि नाम का एक द्वीप भी है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर की पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोंकण और मावला प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। वहाँ ज्योतिबा नाम का मुखिया था। उसके रहने का मुख्य स्थान कोल्हापुर के उत्तर में रत्नागिरी नाम का पहाड़ था। इसी प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकार में दूसरा एक और प्रदेश था, उसको महाराष्ट्र कहा जाता था और वहाँ के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्री कहा जाता था। बाद में उसी का अपभ्रंश रूप हो गया मराठे। यह महाराष्ट्र प्रदेश बहुत बड़ा होने से बलि राजा ने उस प्रदेश को 9 क्षेत्रों में बांट दिया था। इसी के कारण उस हर क्षेत्र के मुखिया का नाम खंडोबा पड़ गया। इस तरह का उल्लेख मिलता है, हर खंड के मुखिया को योग्यता के अनुसार उनके हाथ के नीचे कहीं एक तो कहीं दो प्रधान रहते थे। उसी प्रकार हर एक खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत मल्ल यानी पहलवान थे, इसलिए उसको मलू खान कहते थे। उन 9 में जेजोरी का खंडोबा एक था। यह खंडोबा नाम का मुखिया अपने पास पड़ोस के क्षेत्रपतियों के अधिकार में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने वर्चस्व में रखता था, इसलिए उसका यह दूसरा नाम मल्लरी पड़ गया। मल्हारी इसी का अपभ्रंश है। उसकी यह विशेषता थी कि वह धर्म के अनुसार ही पड़ता था। उसने कभी भी पीठ दिखाकर भागने वाले किसी भी शत्रु पर वार नहीं किया, इसलिए उसका नाम मारतोंड पड़ गया था, जिसका अपभ्रंश मारतंड हो गया। उसी प्रकार वह दीन लोगों का दाता था। उसको गाने का बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है। यह राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से तानसेन नाम का मुस्लिमों में जो प्रसिद्ध गायक हुआ है, उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया है। इसके अलावा बलि राजा ने महाराष्ट्र में महासूबा और 9 खंडों के न्यायी के रूप में 2 मुखिया वसूली और न्याय के लिए नियुक्त किए थे। उनके हाथ के नीचे अन्य कई मजदूर थे, इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। फिलहाल उस महासूबे का अपभ्रंश महासोबा हुआ है। वह समय समय पर लोगों की खेतीबाड़ी की जांच पड़ताल करता था और उसी के आधार पर छूट सहूलियत देकर सभी को खुश रखता था। इसलिए मराठों में एक भी कुल ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी खेती बाड़ी के समय किसी भी पत्थर को महासूबे के नाम पर सिंदूर की लिपा पोती कर उसको धूल जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोएगा। वे तो उसका नाम लिए बगैर खेत को हैसिया भी नहीं लगा सकते। उनके नाम का स्मरण किए बगैर खलिहान में रखे अनाज के ढेर को तौल भी नहीं सकते। वही बलि राजा ब्राह्मण सूबे बना कर के किसानों से वसूली करने का तरीका यवन लोगों ने अपनाया होगा।
इसी प्रकार का तर्क दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय यमन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र से कई विद्वान यहाँ आकर ज्ञान पढ़कर जाते थे, उस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में काशी क्षेत्र के इर्द गिर्द कुछ क्षेत्र बलि राजा के अधिकार में थे। उस प्रदेश को दसवां खंड कहा जाता था। वहाँ के मुखिया कुछ दिन पहले काशी शहर का कोतवाल था, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। वह गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम पर एक स्वतंत्र राग बनाया। उस भैरव राग को सुनकर तानसेन जैसे ख्याति प्राप्त महागायक भी नतमस्तक हुए। उसने अपनी ही कल्पना से डौर नाम के एक वाद्य का भी निर्माण किया। इस डौर नाम के वाद्य की रचना इतनी विलक्षणीय है कि उसके ताल सुर में मृदंग तबला आदि वाद्य की उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी ओर ध्यान न देने से उसको जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी। उसके जो सेवक हैं उन्हें भैरवाड़ी कहते हैं, जिसका अपभ्रंश भराड़ी है। इसमें इस बात का पता चलता है कि बलि राजा का राज्य इस देश में आजपाल यानी राजा दशरथ के पिता जैसे कई क्षेत्रपतियों के राज्य से भी बड़ा था, इसलिए सभी क्षेत्रपति उसी की नीति का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, इनमें से 7 क्षेत्रपति बलि राजा को लगान देकर उसी के आश्रम में रहते थे, इसलिए उसका नाम 7 आश्रित पड़ गया था, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तात्पर्य उक्त सभी कारणों से बलि का राज्य विशाल था और वह बहुत बलशाली था। इस बात को प्रमाणित करने वाली एक लोक कहावत भी है। यह कहावत है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, बलि तो कान पीली। इसका मतलब है जो बलवान है उसी का राज। बलि राजा कुछ विशेष महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों पर सौंप देता था। उस समय बलि राजा अपना दरबार भरवाता था, वहाँ सबके सामने एक उल्टी थाली रख देता था। उस थाली में हल्दी का चूर्ण और नारियल के फल के साथ पान का बीड़ा रखवा कर कहता था कि जिसमें यह काम करने की हिम्मत है वह यह पान का बीड़ा उठा ले। बलि राजा के इस तरह कहने पर जिसमें इस तरह के काम की हिम्मत होती थी वही हर हर महावीर की कसम खाकर हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर नारियल और पान के बीड़े को हाथ में उठाकर अपने माथे पर रखकर बाद में अपने दुपट्टे में बांध लेता था। उसी वीर को बलि राजा उस काम की जिम्मेदारी सौंप देता था। बाद में वह वीर बलि राजा की आज्ञा लेकर अपनी फौज के साथ पूरी शक्ति लगाकर शत्रु की फौज पर हमला बोल देता था। इसी की वजह से उस संस्कार का नाम तड़ उठाना पड़ा होगा, उसका अपभ्रंश तड़ी उठाना हो गया। बलि राजा के महावीरों में भैरोंबा, ज्योतिबा तथा नवखंडोबा अपनी रैयत की सुख सुविधा के लिए इसी तरह के शर्तिया प्रयास करते थे। आज भी मराठों ने कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करने से पहले तड़ी उठाने का संस्कार अपना रखा है। उन्होंने अपने इस संस्कार के तहत बहिरोबा, ज्योतिबा और खंडोबा को देवता स्वरूप कबूल कर लिया और उनके नाम से तड़ी उठाने लगे। वे लोग हर हर महादेव, बहिरोबाचा या ज्योतिबा चांग भला इस तरह का युद्ध घोष करते थे और बहिरोबा अथवा ज्योति का स्तुतिगान करते थे। इतना ही नहीं, बलि राजा अपनी सारी प्रजा के साथ महादेव के नाम से रविवार के दिन को पवित्र दिन के रूप में मानता था। इसकी पृष्ठभूमि में आज के मराठे यानी मातंग, महार, कुनबी और माली आदि लोग हर रविवार के दिन अपने अपने घर के उस कुल स्वामी की प्रतिमा को जल स्नान करवा कर उसको भोजन अर्पण किए बगैर वे अपने मुंह से पानी की एक बूंद भी नहीं डालते। थोंडीराव, बलि राजा के राज्य की सरहद पर आने के बाद वामन ने क्या किया? ज्योतिराव, वामन अपनी सारी फौज को लेकर बलि राजा के राज्य में सीधे सीधे घुस आया। उसने बलि राजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया और इस तरह
वे बलि की राजधानी तक आ पहुंचा। इसलिए बलि अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा करने से पहले ही बेबस होकर अपनी निजी फौज को साथ में लेकर वामन से मुकाबला करने के लिए युद्ध भूमि पर उतर पड़ा। बलि राजा भाद्रपद वद्य एक पद से वद्य 30 तक हर दिन वामन और उसकी फौज के साथ लड़कर शाम को आराम के लिए अपने महल में आता था। इसी वजह से दोनों ओर के जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, उनके मरने की तिथियां ध्यान में रहीं। इसलिए हर साल भाद्रपद में उस तिथि को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ गई होगी। इस तरह का तर्क निकलता है। अश्विन शुद्ध एक पद से शुद्ध अष्टमी तक बलि राजा वामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था और उस दरमियान अपने महल में आराम के लिए भी नहीं आ सका। इधर बलि राजा की विंध्यावली रानी ने अपने हिजड़े पंडे सेवक के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया। उसने उसमें उस पंडे सेवक के द्वारा जलाव लकड़ियां डलवाईं और उस गड्ढे के पास 8 रात 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहां अपने साथ पानी का एक कलश रखा था। रानी इस तरह बिना खाए पिए पानी के सहारे इस कामना की पूर्ति की विजय और वामन की बला टल जाए, इसलिए रानी यहां बैठकर महावीर की प्रार्थना कर रही थी। इस दरमियान अश्विन शुद्ध अष्टमी की रात में बलि राजा के युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने गड्ढे में पहले से रखी लकड़ियों को आग लगाकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसी दिन से सती होने की रूढ़ी चल पड़ी होगी, यह तर्क किया जा सकता है। जब रानी विंध्यावली अपने पति के विच्छोह के कारण आग में कूदकर मर गई, तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतों और हिजड़े पंडों ने अपने अपने बदन के कपड़ों को नोच नोच कर फाड़ डाला होगा और उस आग में जला दिया होगा। उन्होंने अपनी अपनी छाती को पीट कर ज़मीन पर अपने हाथों को पीटते हुए तालियां पीटते हुए रानी के गुणों का वर्णन करते हुए उस गड्ढे के इर्द गिर्द घूमकर अपना शोक प्रकट किया होगा कि हे रानी, तेरा ढिंडोरा घमघमाया आदि। दुख की चिंता के ये शोले वहीं शांत हो जाएं, फैले नहीं। ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकारों ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम यानी कुंड बनवाकर उसके संबंध में कई गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं गूंथ कर अपने ग्रंथों में लिख कर रखी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। उधर बलि राजा की युद्ध भूमि में मरने के बाद बाणासुर ने पूरे एक दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की मस्ती में वामन इतना बदमस्त हुआ कि बलि राजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है, यह सुनहरा मौका देखकर उस राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर अश्विन शुद्ध दशमी को बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहां के अंगणों में लगा हुआ जितना सोना था सब लूट लिया। उस शब्द का अपभ्रंश शिलंगण का सोना लूट लिया, यह हो गया। इस लूट के बाद वामन तुरंत अपने घर लौट गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो पहले से ही उसकी औरत ने मजाक के खातिर चावल का एक बलि राजा करके अपने दरवाजे की दहलीज पर रखा था। वामन के घर पहुंचने पर उसने वामन से कहा कि यह देखो, बलि राजा आपके साथ पुनः युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनते ही उसने उस कनकी के बलि राजा को अपने लात की ठोकर से फेंक दिया और फिर घर के अंदर प्रविष्ट किया। उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घरों में हर साल अश्विन महीने में विजयदशमी यानी दशहरा को ब्राह्मण औरतें कनकी या भात का बलि राजा बनाकर अपने अपने दरवाजे की दहलीज पर रखती हैं। बाद में अपना बायां पांव उस कनकी के बलि राजा के पेट पर रखकर कचनार की लकड़ी से उसका पेट फाड़ती हैं। बाद में उस मृत बलि राजा को लांघकर अपने घर में प्रविष्ट होती हैं। यही इनमें सदियों से चली आ रही परिसाटी है, इसलिए इस त्यौहार को ब्राह्मणों का त्यौहार कहते हैं। इसी तरह बाणासुर के लोग अश्विन शुद्ध दशमी की रात में अपने अपने घर गए
उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बलि राजा की प्रतिमा बनाकर और यह भविष्यवाणी जानकर कि दूसरा बलि राजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, अपने घर की दहलीज में खड़े होकर उसकी आरती उतारी होगी और यह कहा होगा कि अला बला जावे और बलों का राजा आवे। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि के राज्य के कई क्षेत्रों में क्षत्रिय वंश की औरतों ने हर साल अश्विन शुद्ध दशमी को शाम के समय अपने अपने पति और पुत्र की आरती उतारकर आगे बलि का राज्य आवे इस इच्छा का त्याग नहीं किया है। इसमें पता चलता है कि आगे आने वाला बलि राजा कितना अच्छा होगा। धन्य है वह बलि राजा और धन्य है वह राजनिष्ठा। लेकिन आज के तथाकथित मांगलिक हिंदू लोग अंग्रेज़ों की मेहरबानी पाने के लिए कि उनको अंग्रेज़ी सत्ता में बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा के साथ मिलें, इसलिए ये लोग रानी के जन्म पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं। लेकिन समाचार पत्रों में या आपसी बातचीत में इनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने के लिए दिखावा करते हैं। ढोंडीराव उस समय बलि राजा द्वारा बुलाए गए सरदार क्या उसकी मदद के लिए आए नहीं? ज्योतिराव बाद में कोई छोटे मोटे सरदार अपनी अपनी फौज के साथ अश्विन शुद्ध 14वीं को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर से मिलने की खबर सुनते ही बलि राज्य के कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भागकर आता देख वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। अश्विन शुद्ध 15वीं को वे सभी इकट्ठा होकर सारी रात जागकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दांव पेच तय करने लगे कि बाणासुर से अपना संरक्षण कैसे किया जाए। दूसरे दिन वामन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज को लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बाणासुर का इंतज़ार कर रहा था। ढोंडीराव बाद में बाणासुर ने क्या किया? ज्योतिराव बाणासुर ने न आव देखा न ताव, उसने एकदम वामन पर हमला बोल दिया। बाणासुर ने बाद में उसको पराजित कर दिया और उसके पास जो कुछ था वह सब लूट लिया। फिर उसने वामन को उसके सभी लोगों के साथ अपनी भूमि से खदेड़ कर हिमालय की पहाड़ी पर भगा दिया। फिर उसने वामन को दाने दाने के लिए इतना मोहताज बना दिया कि उसके कई लोग केवल भूख से मरने लगे। अंत में इसे चिंता में वहीं पर वामन अवतार का सर्वनाश हुआ, मतलब वामन भी मर गया। वामन के मरने से बाणासुर के लोगों को बड़ी खुशी हुई। वे कहने लगे कि सभी ब्राह्मणों में वामन एक बहुत बड़ा संकट था। उसके मरने से, उसके नष्ट हो जाने से हमारा शोषण उत्पीड़न समाप्त हो गया है। उसी समय से ब्राह्मणों को उपाध्याय कहने की परिपाटी चली आ रही होगी, इस तरह का तर्क निकाला जा सकता है। बाद में उन उपाध्यायों ने अपने अपने घरों में युद्ध में मरे अपने सभी रिश्तेदारों के नाम चिता, जिसको आज होली कहा जाता है, जलाकर उनकी दाह क्रिया की, क्योंकि उनमें पहले से ही मृत आदमी को जलाने का रिवाज था। उसी प्रकार बाणासुर और अन्य तमाम क्षत्रिय इस युद्ध में मरे अपने अपने रिश्तेदारों के नाम से फार्गुन वध्य एक पद को वीर बनकर हाथ में नंगी तलवारें लिए बड़े उत्साह में नाचे कूदे और उन्होंने मृत वीरों का सम्मान किया। क्षत्रियों में मृत आदि के शरीर को जमीन में दफनाने की बहुत पुरानी परंपरा दिखाई देती है। अंत में बाणासुर ने उस उपाध्याय के रक्षण के लिए कुछ लोगों को वहां रखा, शेष सभी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा। बाणासुर के अपनी मुख्य राजधानी में पहुंचने के बाद जो खुशी हुई उसका वर्णन करने से ग्रंथ का विस्तार होगा। इस डर की वजह से यहाँ मैं उस घटना का संक्षिप्त इतिहास दे रहा हूँ। बाणासुर अपने सारे जायदाद की गिनती करके अश्विन वध्य त्रायदेशी को उसकी पूजा की। फिर उस नैवेद्य चतुर्दशी और वध्य 30 को अपने सभी सरदारों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया
और सभी ने मौज मनाई। बाद में कार्तिक शुद्ध एक को अपने कई सरदारों को उनकी योग्यता के अनुसार इनाम और उनको अपने अपने मुल्क में जाकर काम में लग जाने का हुक्म भी दिया गया। इससे वहाँ की सभी स्त्रियों को भी खुशी हुई। उन्होंने कार्तिक शुद्ध दो को अपने भाइयों को यथा सामर्थ्य भोजन खिलाया। उन्होंने उनको भोजन खिलाकर उनका पूरी तरह से समाधान किया। बाद में उन्होंने उनकी आरती उतारी और कहा कि अला बला जावे और बलि का राज्य आवे। इस तरह उन्होंने आने वाले बलि के राज्य स्मरण दिलाया। उस समय से आज तक हर साल दिवाली को भैया दूज के दिन क्षत्रिय लड़कियां अपने भाई को आने वाली बलि राज्य का ही स्मरण दिलाती हैं। लेकिन उपाध्याय कुल में इस तरह का स्मरण दिलाने का रिवाज बिल्कुल ही नहीं है। धोंडी राव, लेकिन बलि राजा को पाताल में गाड़ने के लिए आदि नारायण ने वामन अवतार लिया। उस वामन ने भिखारी का रूप धारण किया और उसने बलि राजा को अपने छल कपट में फंसाया। उसने बलि राजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलि राजा ने अपने भोलेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने के बाद उसने भिखारी का रूप त्याग लिया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने बलि राजा से पूछा कि अब मुझे 3रा कदम कहाँ रखना चाहिए। उसका यह विशालकाय रूप देखकर बलि राजा बेबस हुआ। उसने उस वामन को यह जवाब दिया कि अब तुम अपना 3रा पांव मेरे सिर पर रख दो। बलि राजा का यह कहना सुनते ही उस गलीज गेंडे ने अपना 3रा पांव बलि के सर पर रख दिया और उसने बलि राजा को पाताल में दफनाकर अपना इरादा पूरा कर लिया। इस तरह की बात ब्राह्मण उपाध्यायों ने भागवत आदि पुराणों में लिख रखी हैं। लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे यह पुराण कथा झूठ साबित होती है, इसलिए इस बारे में आपका मत क्या है यही हम जानना चाहते हैं। ज्योतिराव, इससे अब तुम ही सोचो कि उस गलीज गेंडे ने अपने 2 कदमों से सारी धरती और आकाश घेर लिया था। तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई गांव के लोग दब गए होंगे और उन्होंने अपनी निर्दोष जाने गवाई होंगी कि नहीं। दूसरी बात यह है कि उस गलीज गेंडे ने जब अपना 2रा कदम आकाश में रखा होगा, उस समय आकाश में सितारों की बहुत भीड़ होने से कई सितारे एक दूसरे से टकरा गए होंगे कि नहीं। तीसरी बात यह है कि उस गलीज गेंडे ने अपने 2रे कदम से यदि सारे आकाश को हड़प लिया होगा, तब उससे कमर के ऊपर के शरीर का हिस्सा कहाँ रहा होगा। इस गलीज गेंडे के कमर के ऊपर माथे तक आकाश शेप बचा होगा, तब उस गलीज गेंडे को अपने ही माथे पर अपना 3रा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा करना चाहिए था। लेकिन उसने अपना इरादा पूरे करने की बात अलग रख दी और उसने केवल छल कपट से अपना 3रा कदम बलि राजा के माथे पर रख दिया और उसको पाताल में दफना दिया। उसकी इस नीति को क्या कहना चाहिए। धोंडी राव, क्या सचमुच में वह गलीज गेंडा आदि नारायण का अवतार था? उसने इस तरह की सरेआम धोखेबाजी कैसे की? जो लोग ऐसे दुष्ट धूर्त आदमी को आदि नारायण मानते हैं, उस इतिहासकार को छी-छी करते हुए हम उसका निषेध करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लेखों में वामन छली धोखेबाज विनाशकारी और हरामखोर साबित होता है। उसने अपने दाता को ही, जिसने उस पर उपकार किया, दया दिखाई, उसी को पाताल में दफना दिया। ज्योतिराव, चौथी बात यह है कि उस गलीज गेंडे का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया, तब उसको वहाँ बड़े ज़ोर से चिल्लाते हुए बलि ने पूछना पड़ा होगा, अब मेरे 2 कदमों में सारी धरती और आकाश समेट गए, फिर अब आप ही बताइए कि मैं 3रा कदम कहाँ रखूँ और अपना इरादा तथा आपके इरादे को कैसे पूरा करूं? क्योंकि आकाश में उस गलीज गेंडे का मुंह और पृथ्वी पर बलि राजा, इसमें अनगिनत कोसों का फासला रहा होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि रशियन, फ्रेंच, अंग्रेज़ और अमेरिकी आदि लोगों में किसी एक को भी उस संवाद का एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया।
यह कैसी अजीब बात है। उसी प्रकार धरती के मानव बलि राजा ने उस वामन नाम के गलीज गेंडे को उत्तर दिया कि तुम अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दो। फिर यह बात उसने सुनी होगी। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बलि राजा उसके जैसा बेढंगा आदमी बना नहीं था। पांचवी बात यह है कि उस गलीज गेंडे के बोझ से धरती की कुछ भी हानि नहीं हुई। यह कैसे आश्चर्य की बात है ढोंडीराव। यदि धरती की हानि हुई होती तब हम यह दिन कहाँ से देखते। उस गलीज गेंडे ने क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी। फिर जब वह गलीज गेंडा मरा होगा तब उसके उस विशाल लाश को श्मशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले चार लोग कहाँ से मिल गए होंगे। वह उसी जगह मर गया होगा। यह कहा जाए तब उसको जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ कहाँ से लाई गई होंगी। यदि उस तर विशाल काय लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ नहीं मिली होंगी, यह कहा जाए तब उसको वहीं के वहीं कुत्ते सियारों ने नोच नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा पस्त किया होगा कि नहीं। तात्पर्य यह कि भागवत आदि सभी पुराण ग्रंथों में उक्त प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि उपाध्यायों ने बाद में समय देखकर सभी पुराण कथाओं के इस तरह से ग्रंथों की रचना की होगी, यही सिद्ध होता है। ज्योतिराव, तात आप इस भागवत पुराण को एक बार पढ़ लें, फिर आपको भी उस भागवत पुराण से ज़्यादा इस अपनीति अच्छी लगेगी। ढोंडीराव, वामन की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ। ज्योतिराव, वामन की मृत्यु के बाद उन लोगों को कुलीन मुखिया की नियुक्ति के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा का नाम एक चतुर चालाक दफ्तरी था, वही सारा राज्य शासन संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसे मौका मिलता था वह उस तरह से काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर उसकी बात पर लोगों का बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चौमुहा कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा। मतलब यह कि बहुत ही चतुर हठीला धूर्त दुस्साहसी और निर्दयी था। ढोंडीराव, ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा। ज्योतिराव, ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कील से कुर्दे कर लिखने को तरकीब खोज निकाली और उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र और व्यर्थ की नीरस कहानियाँ याद थी उनमें से कुछ कहानियाँ उसमें मिलाकर उस काल की सर्वकृत चालू भाषा में आज की पारसी बहती जैसी छोटी छोटी कविताओं की रचना की और सबका सार ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिख दिया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है। उस समय उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे थे। इसी की वजह से वे लोग लुके छिपे ईरान में भाग गए। इसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया था कि अटक नदी या समुद्र को लांघ कर उस पार किसी को नहीं जाना चाहिए और इसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। ढोंडीराव, फिर उन्होंने उस जंगल में क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई। ज्योतिराव, उन्होंने वहाँ के फल पत्तियाँ कंदमूल और उस जंगल के कई तरह के पंछी और जानवरों को ही नहीं बल्कि कई लोगों ने अपने पालतू घोड़ी की भी हत्या करके उन्हें भून करके खाया और अपनी जान बचाई, इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की कहानियों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्हें उस बात की लज्जा आने लगी तब उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत लगी थी वह आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ा मुश्किल बात थी। उन्होंने कुछ समय बीत जाने के बाद समय देखकर उस निम्र कर्म का दोष छुपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखकर रखा। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्मवाद बाद में यज्ञों का धर्म कहलाया।
उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना हिंसा के वैदिकों का ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। ढोंडीराव, बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? ज्योतिराव, बलि राजा के पुत्र बाणासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐशो आराम की जिंदगी में पूरी तरह से मशगूल थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त थे व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को लिया। फिर उसने राक्षसों पर रक्षक, जो ब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा। राक्षस शब्द मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से विनाश कर दिया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे न जाने किस तरह की मुसीबत अपने पर आ जाए और हम सभी को इधर उधर तितर बितर होना पड़े। उसमें हमको अपने अपने परिवार को पहचानने में कठिनाई हो जाएगी, लेकिन तितर बितर होने के बाद भी हम अपने अपने परिवारों के लोगों को पहचान सकें, इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवार के सभी लोगों के गले में 6 सफ़ेद धागों से बने रस्से को अर्थात जाति निर्देशित निशान, मतलब जिसको आज जनेऊ ब्रह्मसूत्र कहते हैं, उसको उसने हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उसने उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर भी उन्हें उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए, इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। ढोंडीराव, उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया? ज्योतिराव, ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बाणासुर के राज्य में घुसपैठ की, फिर हमला किया। उसने वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले नाउम्मीद कर दिए। उसने अधिकांश भू क्षेत्र अपने अधिकार के लिए लिया और युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महारी, आज का शब्द का अपभ्रंश रूप महार है, क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसकी चंगुल में आ गए थे उनका सब कुछ उसने छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उस सब क्षुद्र लोगों, जिनका अपभ्रंश शूद्र है, को अपना गुलाम बनाया। उसने उनके कई लोगों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों के घर घर बांट दिया। फिर उसने गांव-गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भू क्षेत्र विभाजन करवाया और उन शेष सभी शूद्रों को कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। उसने इन कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर शेष भाग इन स्वामियों को देने का नियम बनाया। इसी की वजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारियों का नाम कुलेकर्णी, जिसका अपभ्रंश रूप है कुलकर्णी, हो गया और उसी प्रकार उन शूद्र कुलों का किसान नाम कुलवाड़ी, जिसका अपभ्रंश शब्द है कुंबली या कुनबी, हो गया। लेकिन उन दास कुनबियों औरतों को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिल पाता था। उनको कभी कभी ब्राह्मणों के घर का काम करने के लिए मजबूर होकर ही क्यों न सही, लेकिन जाना पड़ता था। इसलिए कुनबी और दासी, इन दोनों में कोई अर्थ भिन्नता नहीं दिखाई देती। उक्त प्रकार के बुनियादी आधार के अनुसार बाद में सभी ब्राह्मण दिन ब दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंध में यदि सारी हकीकत लिखी जाए तो उसका अलग से ग्रंथ हो जाएगा। इस तरह की कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित हैं। ग्रंथ विस्तार से डर के उन बातों की चर्चा यहाँ मैं संक्षेप में ही कर रहा हूँ। उसी प्रकार आज के ब्राह्मण भी, चाहे वे झाड़ू लगाने वाले मातंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों न हों, भूखे मरने लगे, इसलिए जो नहीं करना चाहिए वह नीच कर्म करने पर आमादा हुए हैं। वे लोग पाप पुण्य की कल्पना किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं रखते हैं। अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की तरकीबें खोजते रहते हैं। अंत में जब उनका बस न चलता है तब वे शूद्रों के दरवाजे दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं।
लेकिन शूद्रों के घर के नौकर सेवक बनकर उनके खेतों के जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। जानवरों के कोठे में पड़े गोबर को उठाने के लिए, कोठे की सफाई करने के लिए, गोबर की टिकरी सिर पर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। गोबर की टिकरी उठाकर गड्ढे में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग किसान के खेत में हल जोतने के लिए, मोट को जोतकर खेतों को, फसल सब्जियों के बागों को पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग खलिहान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों को खोदने, कुदाली फावड़ा चलाने के लिए, खेत से घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग हाथ में लठ लेकर रात रात भर खेतों में हसिया से घास काट कर बैलों के लिए खेत से घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग हाथ में लठ लेकर रात रात भर खेतों की देख रेख करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों के घरों में नौकर बनकर उनकी घोड़ियों की सफाई करने के लिए, दाना खिलाने के लिए, घोड़ों को आगे पीछे दौड़ने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों की जूतियों को बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घरों की साफ़ सफाई करने के लिए, उनके घर के जूठे बर्तन की साफ़ सफाई करने के लिए, उनके घर की लालटेन साफ़ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे शूद्रों के घर पर लीपा पोती का काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बस स्टेशनों पर माल धक्के पर कुली कबाड़ी का काम करने के लिए शर्माते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण औरतें शूद्रों की नौकरानियां होकर शूद्रानियों को नहलाएंगी नहीं, उनके बाल कंघी नहीं कर देंगी, शूद्रों के घर साफ़ सफाई का काम नहीं करेंगी, शूद्रानियों के लिए बिछाना लगाकर नहीं देंगी, उनकी साड़ियां उनके कपड़े धोने के लिए राज़ी नहीं होंगी, उनकी जूतियां संभालने के लिए तैयार नहीं होंगी, शर्माती हैं। फिर महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मण के जाल में मुक्त करने की इच्छा से ब्राह्मण से प्रतिवाद करने लगें, उन पर हमले करने लगें कि वे शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार करते थे। उसी नफरत की वजह से आजकल के ब्राह्मण शूद्रों द्वारा छुआ हुआ भोजन तो क्या पानी भी नहीं पीते हैं। ब्राह्मणों की किसी शूद्र के द्वारा छुई हुई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मांगलिक होने की संकल्पना को जन्म दिया गया और उनमें यह आम रिवाज हो गया। फिर अधिकांश शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने दूसरों की बात छोड़िए अपने मन में भी थोड़ी लज्जा नहीं रखी। उन्होंने मांगलिक होने के रिवाज का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राह्मण किसी शूद्र का स्पर्श होते ही अपवित्र यानी नापाक अमांगलिक हो जाता था। इसके समर्थन के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कई अपवित्र भ्रष्ट किताबें लिखी हैं। ब्राह्मणों ने इस बात की भी पूरी सावधानी रखी कि शूद्रों को किसी भी तरह पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें ज्ञान ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बीत जाने के बाद यदि शूद्रों को अपने बीते हुए काल के श्रेष्ठत्व की स्मृतियाँ हो गईं, तब वे कभी न कभी उनकी छाती नोचने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे, उनके खिलाफ बगावत विद्रोह करेंगे। इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। इसलिए उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में शूद्रों के पढ़ने लिखने के खिलाफ विधान बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि कोई ब्राह्मण यदि धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हो तो उसके अध्ययन का एक शब्द भी शूद्रों के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात की भी पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी और इस तरह का विधान भी उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में लिख कर रखा था। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में मौजूद हैं। इसी आधार पर आजकल के मांगलिक ब्राह्मण भी उसी तरह की अपवित्र भ्रष्ट किताबों को शूद्रों के सामने नहीं पढ़ते। लेकिन अब समय में कुछ परिवर्तन आ गया है। अब जबकि ईसाई समझे जाने वाली अंग्रेज सरकार की धाक से शिक्षा विभाग के पेटू ब्राह्मणों को अपने मुंह से यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि वे शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे, फिर भी वे लोग अपने पूर्वजों का लुच्चापन, हरामखोरी लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। उनमें आज भी यह हिम्मत नहीं है कि शूद्रों को सही समझ देकर अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करें और अवास्तविक महत्व न बताएं। उनको आज भी अपने झूठे इतिहासकार पर गर्व है।
वे स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को सिर्फ काम चलाऊ व्यवहारिक ज्ञान की बातें भी नहीं पढ़ाते, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह की फालतू देश अभिमान देश गर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं और उनको पक्के अंग्रेज राजभक्त बनवाते हैं। फिर वे अंत में उन शूद्रों के बच्चों को शिवाजी और धर्म भोले अज्ञानी शूद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते रहते हैं। शिवाजी राजा ने अपना देश मलेच्छों से मुसलमान मुक्त करवाकर गौ ब्राह्मणों का कैसे रक्षण किया, इस संबंध में झूठी मनगढ़ी कहानियां पढ़कर उन्हें खोखले स्वधर्म ब्राह्मण धर्म के अभिमानी बनाते हैं। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज की शक्ति के अनुसार जोखिम के काम करने लायक विद्वान नहीं बन पाते। इसका परिणाम यह होता है कि सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारियों की ही भीड़ समा जाती है। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ इन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी नौकरियों में सरकारी सेवाओं में न आ पाएँ, इसलिए इतनी सफाई से चतुराई से जुल्म ज्यादतियाँ करते हैं कि यदि इस संबंध में पूरी पूरी हकीकत लिखी जाए तो कलकत्ते में नील की खेती के बागानों में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेज़ लोग जो जुल्म करते हैं वह हज़ार में एक अधन्ना भी नहीं भर पाएगा। अंग्रेजी राज में भी चोरों और ब्राह्मणों के हाथ में नाम मात्र के लिए टोपी वाले सत्ता होने की वजह से वे अज्ञानी और शूद्र रैयत को ही नहीं बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुँचाते हैं और वे लोग आगे सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके बारे में निश्चित रूप से भी नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मणों के इस व्यवहार के बारे में सरकार को भी जानकारी है, फिर भी अंग्रेज सरकार अंधे का स्वांग लेकर केवल ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारियों के कंधे पर अपना हाथ रखकर उनकी नीति से चल रही है। लेकिन अंग्रेज सरकार को ब्राह्मणों को इसी नीति से गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा ने यहाँ के मूल क्षेत्रवासियों को अपना गुलाम बनाने के बाद इतनी मस्ती में चढ़ गया था कि उपहास करने की दृष्टि से महारियों का नाम प्रजापति रख दिया। यह तर्क निकाला जा सकता है, किंतु ब्रह्मा के बाद आर्य लोगों का मूल नाम भट्ट लुप्त हो गया और बाद में उनका नाम ब्राह्मण हो गया।